प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। जंगली हाथियों का एक दल बुंडू प्रखंड के सुमनाडी गांव पहुंचकर बीती रात 1.5 दर्जन किसानों से अधिक किसानों के धान, आलू, बैगन, टमाटर और दूसरी हरी सब्जियों को नुकसान पहुंचा रहा है। 30 की संख्या में जंगली हाथियों के द्वारा सुमनाडी गांव के अलग अलग किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया गया है। जंगली हाथियों का यह दल पिछले दिनों सोनाहातू के मरांगकीरी, चरकुडी, जुड़गा, लोहाहातू आदि गाँव में सक्रिय था। जंगली हाथी खदेड़े जाने के बाद सुमनाडी पहुंचे। बीती रात को जंगली हाथियों के उत्पात से ग्रामीण परेशान रहे। ग्रामीणों द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया और ग्रामीणों ने फसल एवं धान की खेती को वन विभाग के अधिकारियों को दिखाकर मुआवजे की भी मांग की। इधर जंगली हाथियों का दल अपने परंपरागत ट्रैक को पकड़ते हुए सिरकाडी, बागाडी, तिलाई मर्चा होते हुए रेला डी जंगल पहुँच गए। जंगली हाथियों का दल पहुंचने के बाद ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी पैनी नज़र रखे हुए हैं कि जंगली हाथियों का दल उस तरफ नहीं जाए जहां ग्रामीण हैं, जहां उनकी फसल को नुकसान पहुंच सकता है। बुंडू रांची से आनंद राम महतो की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।